सिलवासा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर केस का किया खुलासा। पत्नी और बेटी की हत्या में आरोपी पति योगेश प्रताप मेहता गिरफ्तार। 12 जून को डोकमरडी निवासी कॉलर योगेश प्रताप मेहता का पीसीआर कॉल आया था कि उसकी पत्नी रेशमा ने आत्महत्या कर ली है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोन करने वाले योगेश मेहता से लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि उनके बीच अक्सर झगड़ा और विवाद होता था, जिसके कारण उसने अपनी 43 वर्षीय पत्नी रेशमा की हत्या कर दी और पता चला कि उसकी छोटी बेटी की भी हत्या कर दी गई थी। लिहाजा आरोपी योगेश प्रताप मेहता से कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसने कबूल किया है कि उसने अपनी छोटी बेटी की हत्या 10 जून 2023 को खादी फलिया के डोकमर्ड स्थित अपने आवास पर की थी और उसके शव को दमन गंगा नहर में फेंक दिया था। तदनुसार सिलवासा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी क्रमांक 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इससे पहले 11 जून की शाम दादरा के डैमनी नहर में एक मानव शरीर का अंग मिला था। घटना की गंभीरता को देखते हुए SHO सिलवासा थाने प्रभारी अपराध शाखा और थाना प्रभारी खानवेल थाना के नेतृत्व में आगे की तलाश और खुफिया जानकारी एकत्र करने और मामले की जाँच के लिए टीमों का गठन किया गया था। अतः आरोपी योगेश प्रताप मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बेटी जो मदर का सपोर्ट करती थी, उस दिन भी झगड़ा जब हो रहा था तो बीच बचाव में आ गई थी, तो शायद इसीलिए जो उससे और वहाँ रहने वाले दूसरे लोग थे, किराए के रूम थे, उसमें वो लोगों ने इंचाधार स्टैंडअलोन है और पीछे की तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं जो उन्होंने किराए के लिए रखे हैं। इतना ही है, बाकी लोग इमीडिएटली कोई घर के अंदर तो दिखता नहीं है। ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से जो स्थिति मिली हो कि ऐसा कुछ रहा हो, इसकी वजह से और तो कोई ऐसी चीज नहीं निकल रहा है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, घर वालों को बुलाएंगे और डिटेल से पूछताछ। उसका बाकी का प्लान क्या था कि वो लड़की को जैसे मध्य देख रहा था, बोल रहे उसकी मोबाइल पर जैसे खेलने वाला था, क्या आपको पता है जो हुआ है उतना मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई प्लानिंग थी? उसने खुद नहीं कॉल करके पहले कुछ और कहानी बताई कि भाई हमने आप उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। मत वो तो सर 2 दिन बाद बताया ना, 10 तारीख को घटना था, 12 तारीख को। सही बात, यही फैक्ट है। 10 तारीख को इंसिडेंट हुई, कल उसने और अपने साले को उसने 2 दिन बाद बताया। साले को भी कल ही बताया, बाकी साले से उनसे बाकी लोग से बात कर रहे हैं। सर 200 पुलिस के कितने कोर्ट में, पुलिस के कोर्ट में अभी प्रोड्यूस करेंगे, सारा काम हो गया है एसआईटी टीम से होगा। मामला तो गंभीर चलेगा। ये 10 तारीख की इंसिडेंट है जिस दिन ये सब हुआ। 11 तारीख को हम जैसे बताए कैनाल में हमें बॉडी पास मिले और इफ्तारी इसमें बॉडी मिले। इनफैक्ट इसने जो है वो अपने जो साले हैं उसको भी बताया कि इस तरह से इंसिडेंट हो गई है और उसकी वाइफ की डेथ हो गई, बेटी मिसिंग है। बट पूरा जो मामला है वो कुछ और ही निकला जब हम लोग दोनों सर एक ही दिन पे डेथ हुए थे कि इंसिडेंट में हुए थे कि पहले वाइफ को मारा फिर बेटी को मारा? हाँ, पहले वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, उसकी डेथ हुई, फिर उसी के दौरान जो है वो बेटी से भी झगड़ा हुआ। वाइफ को उसने पार्ट्स में किए थे या फिर ऐसे ही? वाइफ और उसकी जो बेटी है वो बॉडी हमें हमारे पास है, बाकी सारी चीज़ें डिटेल आपको बता दूँगा।